29 अक्टूबर 2022 और ये है रंडल रोड के जहाँ स्कूल हैं, चर्च हैं, दुकानें हैं और हाल आप खुद देख लें। इसके पीछे ही डीसी ऑफिस भी है, डीसी साउथ का ऑफिस भी है, लेकिन उनको इसकी क्या परवाह, वो तो रूलर हैं। रोड भी देखें आप, टूटा फूटा। क्या ये रिहायशों के लिए अजाब नहीं है? ये कैसे रहते हैं लोग? ह्यूज बजट है सिंध का, लेकिन कराची के लिए लगता है नहीं है। ऐसा क्यों? कब तक कराची लावारिस रहेगा? मेरी कोशिश है कि मैं साइलेंट प्रोटेस्ट करके हालात से लोगों को वाकिफ करूं। अजियतनाक, दर्दनाक, क्या लफ्ज़ यूज़ करूं? लेकिन लगता है किसी को फिक्र नहीं कराची के मसाइल की। कसूरवार समझता नहीं कोई खुद को। छिड़ी हुई है लड़ाई मुनाफिकीनों में। सियासत उरूज पर है, लेकिन पावर के लिए, ये मसाइल के लिए कोई भी नहीं बोलता है। ऐसा क्यों? कराची बर्बाद हो गया है। कब तक? कब तक खामोश जुल्म सहते रहेंगे? क्या ये जुल्म नहीं है कराची वालों के साथ? सबसे ज़्यादा टैक्स कराची देता है और हाल आपके सामने है। सामने जो बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है वो स्कूल चर्च की है। मैं सिविल सोसाइटी से वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, कराची को बचाने के लिए वो अपना किरदार अदा करें, कराची को लावारिस न छोड़ें। शुक्रिया।